वेलकम टू मार्केट की बातें एंड एज ऑलवेज वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट हैज बीन ट्रबलिंग लॉट ऑफ पीपल आउट देयर. माय नेम इज राजा वेंकटरामन. आई एम द को-फाउंडर ऑफ न्यू ट्रेडर एंड ऑल्सो योर ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर. बीन इन द मार्केट फॉर मोर देन 15 ईयर्स, हैप्पीली मैरिड विद अ लविंग वाइफ एंड एन एनर्जेटिक सन हू कीप्स मी ऑन द रन जस्ट लाइक द मार्केट्स. सो गाइज, मार्केट्स आर राइट नाउ ब्रिमिंग विद एक्साइटमेंट. Markets are witnessing a fantastic and euphoric move, and 17,000 के ऊपर इतने आराम से चल रहा है मार्केट. लेकिन मेरा सवाल है आप लोग से कि क्या आप लोग पैसे बना रहे हो? क्या आप लोग को समझ में आ रहा है कि मार्केट में क्या हो रहा है? एंड when I ask this particular question to many people out there, I get a very negative response. And one of the prime reasons is that people are having lots of challenges. So I thought that, why don't I find out my audience out there, like what exactly are you trying to do? आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? और मार्केट में जब आप जाते हैं और जब आप कोशिश करते हैं तो क्या आपको सक्सेस मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, तो उसके रीजंस क्या हैं? तो ये सब जानने की कोशिश है. एंड व्हेन आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, सो आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू गाइस, व्हाट आर योर चैलेंजेस व्हाइल ट्रेडिंग? बिकॉज एवरीवन हैज गॉट सर्टेन चैलेंजेस. इट कैन आइदर बी रिलेटिंग टू द वे यू आर अप्रोचिंग द मार्केट, इट कैन आइदर बी रिलेटिंग टू योर कैपिटल, और इट कैन आइदर बी रिलेटिंग टू योर स्ट्रेटजीज. तो ऐसे बहुत सारे अप्रोचेस हैं जिसे रखकर हम मार्केट में आते हैं. एंड when we are coming into the market, our whole objective is that we make some money, but then we always find that the objective is more often not met, right? So challenges are many, and that's why I thought that we can discuss and find out. When I was discussing with someone, they shared with me that one of the biggest challenges they faced in the market was stock selection. आप लोग में से कितने लोग हैं जिन्हें स्टॉक सेलेक्शन हैज बीन अ वेरी बिग चैलेंज? ऑलराइट, सो वी विल कम टू योर पॉइंट एज वेल. ओके, सो गेटिंग ट्रैप्ड इन फॉल्स ब्रेकआउट. ऑलराइट, फ्री ट्रेड्स में क्या करेंगे? राइट, तो चलिए हम पहले एड्रेस करते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट जो है ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है. मान लेते हैं कि अभी आपका सबसे बड़ा चैलेंज है, तो फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको जानना पड़ेगा एग्जैक्टली ब्रेकआउट कब हो रहा है, किस समय पर हो रहा है, एंड व्हाट इज द सिनेरियो व्हिच इज इमर्जिंग. राइट, व्हाट इज द सिनेरियो व्हिच इज इमर्जिंग? बिकॉज मेनी टाइम्स आई हैव ऑलवेज फाउंड कि एवरीवन इज इन अ हरी टू ट्रेड. राइट, एवरीवन इज इन अ हरी टू ट्रेड. इफ आई आस्क कितने लोग, हाउ मेनी पीपल आर इन हरी टू ट्रेड, एवरीवन विल से यस. एंड व्हेन यू आर गोइंग टू अप्रोच द मार्केट इन अ हरी, ऑल यू गेट इज वरी. राइट, एंड व्हाई एम आई सेइंग दैट? बिकॉज यू आर इन सो मच ऑफ हरी दैट यू ऑफन टेंड टू मिस, यू ऑफन टेंड टू मिस व्हाट इज हैपनिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फॉल्स ब्रेकआउट, so when a breakout emerges, right, a breakout or a breakdown, it's practically the same thing. What really happens is there was a series of support or there was a series of resistance, or uske beyond the prices are trying to move. So when the prices are trying to move beyond a certain zone, you have to make an attempt to find that out. If you don't make an attempt to find that out, whether the price are going beyond that zone or not, then it will be a challenge. So how will you find it out? You got to have a confirmation. And unless you have a confirmation that the breakout as clearly which you have witnessed is holding on, then you will always be getting into a trap. And that's what happens when professionals and amateurs come to the market.
because the professionals know that whenever there is going to be a resistance, as soon as the price breaks above it, अगर ये आपका रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाते ही सब लोग एंट्री करेंगे. अगर ये आपका रेजिस्टेंस है तो आपको देखना है कि इस लेवल के ऊपर क्या प्राइस टिक पाता है. अनलेस एंड अंटिल यू वाउच और यू हैव अ मेथोडोलॉजी विच चेक्स दिस, राइट, दिस व्हाट आई डू इन माय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. आई शो वेरियस काइंड्स ऑफ अप्रोचेस ऑन हाउ टू डू इट. ओके, तो अगर आपका प्राइस इस लेवल के ऊपर टिक पाता है तो ही आप उस पर काम कर सकते हैं और पैसे बनाने की उम्मीद रख सकते हैं. सो इफ यू गाइज आर एक्सपेक्टिंग दैट यू गॉट टू मेक मनी फ्रॉम अ ब्रेकआउट और अ ब्रेकडाउन, यू गॉट टू वेट फॉर द प्राइस टू गिव यू अ कन्फर्मेशन. एंड वंस यू गेट द कन्फर्मेशन एंड देन व्हेन प्राइस इज गिविंग यू अ फॉलो थ्रू, दैट्स व्हेन यू नीड टू पार्टिसिपेट. बट देन if you're just going to jump, then you will always get stuck in a false breakout. The breakout is showing an intention. Is the intention followed up with a suitable action? That's what you got to see. Unless and until you observe the particular breakout and see if there is a follow-up action, you will actually be entering into the hands of the professional trader. So that's the whole idea here, right? And some of you wrote about stock selection, right? Stock selection is the most important thing which you got to find out, because many times you will see that today I have got a stock, it's doing quite well, but that same stock does not perform the next day. But then what happens is, because the stock did well yesterday, we end up buying the stock today as well. I'm sure that many of you will agree with me कि ऐसे करते करते आपको realize होता है कि आपका जो capital है, आपका capital deplete हो जाता है, आपका capital खत्म हो जाता है, क्योंकि आपका जो stock selection का जो methodology है उस पर आप ध्यान नहीं देते. और उसकी वजह से जब आप मार्केट में जाते हो, सो यू आर रैंडमली पिकिंग स्टॉक. तो इफ यू वांट टू नो हाउ टू अवॉइड रैंडमनेस एंड हाउ टू एंश्योर मोर क्लैरिटी, सो वी आर आल्सो डूइंग अ वेबिनार बाय द वे टुमारो. वी हैव गॉट अ वेबिनार एट 11 AM, वी गॉट अ वेबिनार वंस अगेन ऑन संडे. सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द वेज एंड अप्रोचेस, यू कैन गो एंड चेक आउट द लिंक इन द बायो एंड रजिस्टर फॉर द वेबिनार. You will get to know how to look at the markets in a different way and the way we look at it, and you will get to know more about more structured approaches. क्योंकि मैंने देखा है कि stock selection लोग खुद के बल पर नहीं करते, right? So either they depend on someone or they depend on something else. So if you're going to depend on someone, if you're going to depend on some system, you need to observe and also have some bit of idea whether that system is reliable, whether the system can be practiced. क्या वो system आप practice कर सकते हैं? वो करने पर ही आपको समझ में आएगा कि exactly कैसे काम करना है. That's the whole idea, right? So when the market is going to move ahead and the markets are moving at a very rapid pace, right? आपने देखा होगा कि 16,000 से 17,000, इट मूव्ड सो फास्ट. नाउ इट इज सस्टेनिंग अबाउ 17,000, राइट? एवरी डिप इज बिकमिंग अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू नो, द मेन चैलेंज विच आई परसीव इज पीपल आर नॉट एबल टू गेट अ क्लैरिटी अबाउट द ट्रेंड. ट्रेंड क्या है, ट्रेंड को कैसे समझना है, ट्रेंड को कैसे परखना है, ये सारी चीजें लोगों की जानकारी में नहीं है या लोग जानना नहीं चाहते, मुझे नहीं पता. बट मुझे ये जरूर मालूम है कि इफ यू डोंट हैव एन आइडिया अबाउट द ट्रेंड और ट्रेंड जानने की आप कोशिश नहीं करेंगे, आपके कोई भी स्ट्रेटजी आपके काम नहीं आएगी. तो पहला उसूल है कैसे ट्रेंड को समझे
और कैसे ट्रेंड को समझकर उस दिशा में काम करें. बिकॉज वंस यू डोंट आइडेंटिफाई द ट्रेंड, वॉट एवर चैलेंजेस यू आर फेसिंग टूडे विल कंटिन्यू टू रिमेन. सम आर टॉकिंग अबाउट फ्री ट्रेड्स, सम आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक सेलेक्शन, सम आर टॉकिंग अबाउट फॉल्स ब्रेकआउट. सो आई एम रीडिंग लॉट ऑफ इश्यूज एंड चैलेंजेस विच ऑल ऑफ यू आर फेसिंग. बट देन वेन यू आर गोइंग टू गो इन टू द मार्केट एंड वेन यू आर गोइंग टू एक्चुअली पार्टिसिपेट इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, तो आपको जानना है कि इसे कैसे समझेंगे और इसे कैसे काम करेंगे. राइट, सो गुड क्वेश्चन हियर आस्किंग ट्रेंड्स को कैसे समझें. ट्रेंड्स को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द यूटिलिटी दैट कैन हेल्प मी. सो वन सच यूटिलिटी इज व्हाट आई विल बी डिस्कसिंग इन वन ऑफ द वेबिनार्स, सो यू कैन चेक आउट. सो माई सेल्फ एंड माई कलीग वी आर डूइंग अ वेबिनार on this Saturday and Sunday. You can check out how to read the trends better, how to understand नए तरीके क्या है मार्केट में जिससे आप काम कर सकते हैं. तो ये सारी चीज हम लोग प्रेजेंट करेंगे आपको, तो अगर आपको इंटरेस्ट है सो यू कैन गो आउट एंड चेक आउट द लिंक्स इन आर बायो. सो टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू गॉट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट क्या है मार्केट का. आज निफ्टी आईटी चल रहा है, निफ्टी चल रहा है लेकिन बैंक निफ्टी नहीं चल रहा. हालांकि मार्केट इज बुलिश, एवरीथिंग इज बुलिश, बट बैंक निफ्टी समहाउ इज हैविंग चैलेंजेस. सो एज अ रिजल्ट द इंडेक्स इज ऑल्सो नॉट मूविंग अप इन अ वेरी स्टेडी मैनर. फॉर द इंडेक्स टू मूव इन अ स्टेडी मैनर बोथ द इंडेक्सेस शुड फायर. सो ऐसे सिचुएशन में आपको देखना पड़ेगा कि कब जब कोई पुल बैक आता है, सो हाउ टू आइडेंटिफाई इट, वॉट काइंड ऑफ टूल्स यू कैन यूज, वेदर कैन यूज अ मूविंग एवरेज, वेदर कैन यू यूज अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और वेदर कैन यू यूज अ टूल कॉल्ड एज पिचफोर्क, और यू कैन यूज मोमेंटम ऑसिलेटर्स. सो किस तरह का टूल आप यूज कर सकते हैं उसके देखकर आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली हाउ टू पार्टिसिपेट. राइट, and those of you who are not able to register for the webinar, you can just send us a DM and our team will get in touch with you. Our team will share with you the link and you can enroll for the webinar. But nevertheless, coming back to today's point of main trading challenges, I have personally interacted with many people and every time, either in my workshop or in my interaction, I always find that people are trying बट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि काम कैसे करेंगे. सबको काम करना है बट दे आर गेटिंग स्टक एट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो वॉट एग्जैक्टली इज अ ट्रेंड. ट्रेंड इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ प्राइस मूव विच यू आर सीइंग ऑन अ चार्ट और वेदर इफ यू आर ट्रैकिंग. एंड इफ देर आर सक्सेसिव मूव्स टू द वे अप देन यू नो दैट अ ट्रेंड इज गेटिंग फॉर्म. नाउ at certain points in time along the price move the trends will undergo some correction. So you got to have a picture about the trend, you got to have some idea about what are the suitable support and resistance level without which you will always have challenges. Right, so a stock like Reliance, it was going through a very tough zone, it was unable to move beyond 2200, but then over the last few days we have seen a new renewed up move in Reliance. And what is the whole idea here? The whole idea here what I'm trying to convey is Reliance mein itne din trend nahi tha, ab trend ubhar aaya hai Reliance mein. To prices ka jo naksha hai aur prices ka jo behavior hai wo hamesha ek tarfa upar ki taraf ya niche ki taraf nahi rahega. Prices will go to rest at points in time and then it will emerge. So when it emerges either to the way up or to the way down, you can check it out as an opportunity. जैसे कि आइशर मोटर, आइशर मोटर भी एक रेंज में फंसा हुआ था, अब रेंज से बाहर निकलेगा. तो प्राइस हमेशा एक रेंज में जाएगा,
रेंज से बाहर निकलेगा. सो दैट्स हाउ द होल कंसेप्ट इज. सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड द नेसेसिटी टू रीड ट्रेंड्स प्रॉपरली. बट पीपल आर ऑलवेज इन अ हरी. सबको बाय बटन और सेल बटन ही सिर्फ दबाना है. तो बाय बटन सेल बटन दबाते हुए सून यू विल प्रेस योर एग्जिट बटन ऑल्सो. मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज वॉट हैपन्स एंड दैट्स द होल आइडिया हियर, राइट. सो रिलायंस इज कमिंग आउट ऑफ गुड कंसोलिडेशन. सो रिलायंस इज लुकिंग वेरी गुड एज अ अपॉर्चुनिटी. वेल एट द करेंट लेवल्स और ऑन डिक्लाइंस इट वुड स्टिल बी अ बाय बिकॉज इट हैज स्पेंट सफिशियंट टाइम इन कंसोलिडेशन एंड नाउ इट इज गिविंग अवे टू सम स्ट्रॉन्ग ट्रेंडेड एक्शन. सो अगर आपको ट्रेंडेड एक्शन के साथ काम करना है तो आपको पहले समझना पड़ेगा. क्योंकि मैंने काफी लोग से बात किया है एंड दे से दे आर अ प्राइज एक्शन ट्रेडर. इफ यू आर गोइंग टू ट्रेड प्राइज एक्शन एंड इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट ट्रेंड्स देन प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड दैट आप पैसे नहीं बना पाएंगे. दैट्स द होल आइडिया. तो अगर ट्रेंड के जानकारी के बिना अगर आपको पैसा बनाना है तो इट्स इक्वल टू इम्पॉसिबिलिटी, राइट. सो द मेन चैलेंजेस विच ऑल ऑफ अस फेस इज इन आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड एंड इट्स नॉट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी स्ट्रैटेजी. इट इज नॉट इन आइडेंटिफाइंग द स्टॉक्स. इट इज नॉट इन हाउ टू एस्केप फेक ब्रेकआउट्स. इट इज नॉट इन हाउ टू ensure that whether can I find a demand zone, whether can I find a supply zone, all that will come later. But the first step which you need to take to become a consistent trader, main sirf ek consistent trader banne ki koshish karta hu, kyunki a consistent trader will be the one who will survive all kinds of market volatility. So if you want to be a consistent trader and if you want to track, you know, want to track the markets and you want to ensure that you are able to participate in the right way, you got to identify the trend. And when you look at the markets currently, yes, Nifty, the trends are definitely moving in a very strong manner. Now for the trends to sustain and go further higher, the trends in Bank Nifty needs to get better. हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में काफी सारा इश्यूज होता है एंड दैट इज द होल आइडिया. दिस इज राइटिंग क्योंकि लॉस ही इतना होता है कि मार्केट में टाटा बाय बाय खत्म. दैट इज द होल आइडिया जीत. बिकॉज आप लॉस के बारे में सोचेंगे और ट्रेंड्स के बारे में नहीं सोचेंगे तो लॉस ही होगा ना. तो पहले ट्रेंड्स के बारे में सोचिए. ट्राई एंड अंडरस्टैंड क्या इस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेंड है एंड फॉर दिस पर्पस यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम इन लर्निंग अबाउट द मार्केट्स. मैनी पीपल हु आर कमिंग टू द मार्केट्स आर न्यू और दे फील दैट देर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट्स एट ऑल. और उसकी वजह से ऑलवेज they have difficulty in participation. One of the main reasons why Bank Nifty has not been able to move is that the private banks and the PSU banks are not firing. Both the between private and PSU banks, SBI ke results achhe aaye but SBI could not perform. And PSU banks is actually dragging the Bank Nifty lower. And the financials are performing in bits and pieces. But private or PSU mein private banks are doing slightly better. Lekin PSU banks are dragging the Bank Nifty lower. Nifty is having an open door. And the whole sky is open right now. So as long as Nifty is able to hold above 17,000, so you don't have to worry. So that's how the trend is looking like, and we got to see because 17,000 se yahan se niche aa sakte hain.
तो 70,000 जब तक बरकरार है तब तक देयर इज नो प्रॉब्लम। ऑप्शन ट्रेडिंग रिक्वायर्स सम बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट वेदर द ट्रेंड इज देयर और नॉट देयर। एवरीवेयर ट्रेंड इज इंपॉर्टेंट, एवरीवेयर द ट्रेंड इज इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट हैव एन आइडिया अबाउट द ट्रेंड, इफ यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रेंड, एब्सेंस ऑफ ट्रेंड ऑल्सो कैन बी यूज इन ऑप्शंस, यू कैन गो इन फॉर स्प्रेड्स। आपको ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर ट्रेंड्स के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और आप न्यू कमर है तो मुझे बताइए कि क्यों आपको ऑप्शंस में जाना है। व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू ऑप्शंस? यू वांट टू गेट इनटू ऑप्शंस बिकॉज यू आर ग्रीडी फॉर मनी। इफ यू वांट टू मेक मनी इन द मार्केट, द फर्स्ट सजेशन विच आई विल गिव एवरीवन इज स्टॉप बीइंग ग्रीडी। बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू बी ग्रीडी देन यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी। दैट्स द होल आइडिया। यू गॉट टू फर्स्ट गेट द प्रोसेस राइट। You got to get the process right. Process अपनाइए, ठीक तरह से process को apply कीजिए और उसके बाद आप options क्या, आप crypto भी कर सकते हैं। But first get the process right. Start with cash market because if your financial capital is destroyed, then you will never come back into the market. You can go and check your near and dear ones. They will say the same. You will find your uncle or chacha or auntie, whoever. They will say futures, options, everything is fine. But first get the basics right. Start with the equity market and then move on to futures, options, etc. There's absolutely no problem. But you got to understand that if you want to play the leverage game, you should have the room or the cushion. That's the whole idea. The first step for a college student would be to get the basics right. How did you come to college? You didn't wake up out of your bed and then you just walked into college, right? You have to go through the grind. Market mein education comes only through practice. That's the whole idea. Education comes only through practice. Yes, very much stock market is a very good career option. It is a very, very exciting career option. And the way the market is behaving right now, it's opening up multiple doors of opportunity. It's a very good career option. But then, aapne word jo use kiya, career, jo aam aadmi use karte hain unke life mein, वो करियर बनाने के लिए वो पहले पढ़ते हैं और फिर करियर बनाते हैं। एक उदाहरण के तौर पे अ थीफ ऑल्सो स्टार्ट्स बर्गलरिंग या चोरी करता है छोटे जगहों पे बिफोर ही गोज एंड डज अ बिग चोरी। उसी तरह अगर आपको भी मार्केट में से दूसरों के पॉकेट से चोरी करना है, इट्स लीगल रॉबरी, राइट? तो आपको भी समझना पड़ेगा कि मुझे पहले सीखना पड़ेगा कैसे काम करें। दैट्स द होल आइडिया। स्टार्ट विथ कैश देन प्रोसीड फर्दर इज माई सजेशन। दैट्स द वे आई हैव लर्नड। बट यू आर योर मालिक ऑफ योर मनी, तो यू कैन डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। बट आप मुझे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, राइट? सो थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी। It was nice interacting with all of you and thank you for sportingly answering your questions. Is tarah hum interact karte rahenge. I'll be coming live once again and again we'll be posting some questions, interact karenge. And for those who are wanting to know more about us and more about things, you can DM us or our link is there in the bio. You can check out our links and stay connected. You can visit our webinar, understand what we are trying to do. And whatever we are offering, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। And with that, I come to an end of this show. Thank you for joining in. Stay safe, stay healthy. This is Raja Venkatraman signing off.